वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। साल 2023 की शुरुआत हो चुकी है जिते कि लोग इसे जश्न मनाते हैं, लेकिन सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे एक अलौकिक नज़ारा वेखन को मिलता है। तुसी वेखो कि सचखंड श्री हरिमंदर साहब असी इस वक्त रात के 12 बज चुके हैं, लेकिन संगत का ठाठा मारदा कट किवें है तो तुसी वेखो कि पूरे जिहड़ा एरिया है उत्थे बिल्कुल भी एक तिल सुट्टन की भी जगह नहीं है। तो तुसी वेखो कि किन्नी ज़्यादा संगत जिहड़ी है इत्थे सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे पुज रही है। तो इस अलौकिक नज़ारे नूं असीं तुहानूं सांझा कर रहे हैं कि हर कोई व्यक्ति इस नवे दिन की शुरुआत श्री हरिमंदर साहब तो करना चाहता है। तो उसकी तस्वीरां तुहानूं असीं दिखा रहे हैं कि किस तरीके दे नाल तुसी वेखो कि संगत अपनी वारी का इंतजार कर रही है। तो संगत का इकट्ठ असीं तुहानूं सांझा कर रहे हैं कि किस तरीके दे नाल लोग अज के दिन नवा साल मनाने वास्ते इत्थे पुजे ने। तो तुसी वेखो कि संगतां इत्थे पुजियां ने, संगतां नाल गलबात करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। की कहना चाहोगे जी, नवे साल से आए हो तुसी इत्थे, की मकसद? सब तो पहलों वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं इत्थे जिन्हें भी अमृतसर की जिहड़ी साध संगत सारी इत्थे पहुंची है, मैं सारे नूं नवे साल दियां बहुत बहुत वधाइयां देना ते गुरु रामदास जी सारिआं ते मेहर भरिया हथ रखण ते सारिआं नूं खुशियां देण। बिल्कुल। तो तुसी वेखो कि जिहड़ी संगतां इत्थे आईआं ने वो एक वधाई दे रहीआं ने, उन्हां दा कहना कि वो अपने आप नूं वडभागा महसूस कर रहे ने कि इत्थे पुजे ने। ते तस्वीरां तुसी रश दीआं वेख सकदे हो कि किस तरीके दे नाल संगत दा हड़ जिहड़ा है इस वेले श्री हरिमंदर साहब विखे है। तो उसकी तस्वीर असीं तुहानूं लगातार सांझियां कर रहे हैं। तो अमृतसर दीआं तस्वीरां ने तो तुसी देख सकदे हो कि किस तरीके दे नाल संगत जिहड़ी है इत्थे पुजदी हुई नज़र आ रही है। तो लगातार 2023 की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन 23 की शुरुआत जिहड़ी है इत्थे एक अनोखे तरीके दे नाल है। तो उत्थे तुसी वेखो कि सचखंड श्री हरिमंदर साहब विखे मौजूद हाँ। तो किस तरीके दे नाल संगत इत्थे आई है उसकी तस्वीर तुहानूं असीं सांझी कर रहे हैं। तुसी देखो कि रात दे 12 बज चुके ने, लेकिन फिर भी इत्थे बिल्कुल भी एक भी जगह ऐसी नहीं है जिथे कि संगत ना होवे। तो कुछ संगतां साढ़े नाल इत्थे पुज्जियां ने, असी उन्हां नाल गलबात करन दी कोशिश करांगे कि उन्हां दा की कहना इस माल विच, क्योंकि अज एक नवे साल की शुरुआत हुई है। तो संगतां नाल गलबात करांगे कि इस नवे साल च की कहना चाहणगे। तो उस तस्वीर नूं असी तुहाडे तक पहुँचाउण की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिन्ना रश है असीं कोशिश कर रहे हैं कि संगत नाल गलबात करिए कि जिहड़ियां संगतां अज दे दिन इत्थे नतमस्तक होने वास्ते पुज्जियां ने। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। की कहना चाहोगे जी अज तुसीं इस नवे साल की शुरुआत का जी संगतां नूं? गुरु रामदास साहब जी के चरणों च अपना नवा साल शुरू किया जी, सारिया संगतां नूं जी आयां नूं आखदे आं जी। तो इत्थे जिन्ने अपना नवा साल शुरू किया इहदी रीस ही कोई नहीं है, महाराज के घरे आ खुशियां प्राप्त कीतियां। जिहड़े नहीं आए उन्हां नूं हाथ जोड़ के बेनती आओ ते आण के गुरु महाराज तों खुशियां प्राप्त करो। बोले सोनिहाल। देखो कि संगत वालों जकारे छड़े जा रहे ने, तो संगतां इत्थे पुज्जियां ने। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी आप जी नूं बहुत बहुत मुबारकां। आपदे चैनल थ्रू जिन्हें भी सिख अपनी संगत उन्हां नूं बहुत बहुत नवे साल दी मुबारकां दिंदे आ। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। तुसीं वेखो कि संगतां किवें पुज्जियां ने, तां कुछ होर वी संगतां ने। दुबई तों स्पैशल बाबे दे घर आया वां। दुबई तों? हांजी। तो देखो संगत दा दुबई तों विशेष तौर दे उत्ते नवा साल मनाउणा इत्थे आए ने बाबे दे घर। पर तुहाडे दुबई दे विच ते वैसे बहुत पार्टी होंदी। उत्ते डिस्क हैगे ने बाबे दा घर ते बाबे दा घर ही हैगा। बाबे दा घर ही है, बाबे दा घर। उस तों उत्ते कुछ वी नहीं? नहीं जी नहीं। तां बिल्कुल तां उस तों उत्ते कुछ वी नहीं है। तां तुसीं वेखो कि संगत जिहड़ी है ते किवें पुज्जी है। तां इह अलौकिक नज़ारा असीं तुहानूं साझा कर रहे हैं कि जिहड़ियां संगतां अज इस दिन इत्थे पुजदियां ने तो वह नतमस्तक हो रही ने। तो संगत इस वेले असीं तुहानूं नज़ारा दिखा रहे हैं श्री हरिमंदर साहिब, अलौकिक नज़ारा जिहड़ा है। तुसीं वेखो कि जिहड़े लोग अपने घरां च ने वो अपने टीवी दे माध्यम राही, साढ़े ग्रेट पंजाब टीवी दे माध्यम दे राही देख सकते हैं कि किस तरीके दे नाल संगत इत्थे पुजी है। तो पूरा तुसीं देखो चगिरदा जरा है इस वेले संगत दे नाल भरिया है। तो कोई भी ऐसी जगह नहीं है जिथे कि कोई आन जान वास्ते होवे, और संगत जिहड़ी है कल्ले अमृतसर तो नहीं बल्कि देश दुनिया भर तो इत्थे जिहड़ी है वो नतमस्तक होने वास्ते पुजियां ने। तो कुछ संगतां नाल गलबात करांगे जिहड़ियां कि इत्थे होर आईयां ने। तुसीं वेखो कि किड्डा ये जरा रस्ता है, रात दे तकरीबन
सवा बारह बजे का समा है और नवा साल की शुरुआत 2023 की हो चुकी है। तो किस तरीके संगत जी है इतने पहुँच रही है तो तुम देखो सारे पासे असी सारा तुम्हें दिखा रहे श्री अकाल तख्त साहब के बाहर किस तरीके संगत इतने ने तो असं उन्होंने गलबात भी करा कुछ संगतों के नाल जड़िया कि इतने नतमस्तक होने वास्ते पुजिया ने। तो वाहगुरू जी का खालसा वाहगुरू जी की फतेह। मैडम की कहना चाहोगे तुम अज इतने आए नए साल से? बस इन्ना ही कहना चाहवागी नवे साल दौत बहुत मुबारक रब सारियां दे उपर अपना मेहर भरिया हाथ सब दे उपर बनाई रखे। वाहेगुरु जी सब नू खुशियां बख्शन। कित्थों आए मैम तुसी? अमृतसर तो। अमृतसर तो स्पेशल अज इत्थे न्यू ईयर सेलीब्रेट कर रहे। बिल्कुल तुसी वेखो संगतां दा कहना कि न्यू ईयर सेलीब्रेट करन वास्ते अज इत्थे आए ने तो हर कोई इस नवे साल दे उत्ते अपने मोबाइल दे कैमरिया राही तस्वीर अपने कैमरे च कैद कर रहा है। तो तुम दसना चाहवांगे कि इस वेले रात का समा है तो किस तरीके दे नाल सारे पासे का असी तुहानू चगिरदा सांझा कर रहे हैं कि किस तरीके दे नाल इत्थे इस वेले रश है और संगत जिहड़ी है इस दिन दे उत्ते श्री हरिमंदर साहब विखे नतमस्तक हो रही ने। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। की कहना चाहोगे इस नवे साल के उत्ते तुसी आए हो और खास करके बच्चों नूं हुंदा किसी पार्टी च जाण दा? गुरुद्वारे में सेलीब्रेट करना चाहिए ते न्यू ईयर दी बहुत बहुत बधाइया जी। बिल्कुल तो तुसी अज इत्थे नवा साल मनाना आए जे? हां जी जी बिल्कुल। तो तुसी वेख्या कि छोटे बच्चे भी इत्थे जिहड़े आए ने उन्होंने कहा कि असी नवा साल मनाने वास्ते आए पर इस पासे तुसी देखो कि संगत जिहड़ी इत्थे पुजी है तो वह सतनाम वाहेगुरु का जाप कर रही है तो कोई आस्था की डुबकी लगा रहा है तो उस दे विच तुसी वेखो कि किस तरीके के हालात ने। असी तुहानू दिखा रहे हैं कि जिहड़ियां रस्ते ने जिहड़ी पौड़ियां ने उत्थे भी संगत इस वेले मौजूद है। तो इस पूरा नज़ारा असं तुहानू सांझा कर रहे दर्शनी ड्योढ़ी साहब के बाहर हाँ श्री अकाल तख्त साहब के बाहर हाँ तो उत्थे किस तरीके का है तो हर कोई व्यक्ति श्री हरिमंदर साहब नतमस्तक हो रहा है तो उसकी तुहानू असी तस्वीर दिखा रहे हैं। तुसी रश देखो किस तरीके दे नाल है और संगतां जिहड़ियां दूर दराजे तो इत्थे नतमस्तक होने वास्ते पुजियां ने तो कल्ले अमृतसर तो नहीं बल्कि होरना राज्यां तो भी तो होरना देशों तो भी लोग अज दे दिन इत्थे पहुँच रहे हैं। तो असीं इस वक्त उत्थे मौजूद हाँ कुछ संगतां नाल होर गलबात करन दी कोशिश करांगे कि जिहड़ियां कि इत्थे पुजियां ने की कहना चाहुणगे इस दिन दे उत्ते। मैं की कहना चाहोगे सर तुसीं अज आए हो कित्थों आए जे ते किवें इस नवे साल नूं अज गुरु रामदास जी के चरणों के आ के मना रहे जे? हाँ जी मैं बस मैं अमृतसर तो ही हैगा बस उन्होंने चरणों आया अरदास करने वास्ते कि सब का भला करो सब सृष्टि से मेहर पर हाथ रखन वाहगुरु जी खुशियां वाला अगला साल आवे। बिल्कुल तो खुशियां का अगला भरिया साल आए तो उस तो पहले असं तुम साझे कर रहे हैं कुछ वीडियो राही कि किस तरीके का रश इस वेले श्री हरिमंदर साहब विखे है तो संगतां तुसीं वेखो किवें पाठ कर रही ने तो हर कोई नतमस्तक हो रहा है तो उतों जोड़ा है अभी तस्वीर राही तुम दिखा रहे हैं कि इस वेले जोड़ा है इतने संगत जी है इतने पुज रही है तो उन्होंने वेखो एरिया तुम दिखा रहे अक्सर बारात के बारह बजे इन्ना रश नहीं होंगे लेकिन अज जो कि नवे साल की शुरुआत हुई है तो किस तरीके दे नाल जिहड़ी संगत इत्थे मौजूद है तुसी वेखो कि चारे पासे जिहड़े ने कोई भी पासा है और सवेर नू जो अमृत वेले का समा होगा तो उस वेले संगत अपनी वारी का भी इंतजार कर रही है कि कदों साडी वारी आएगी तो असी जिहड़े गुरु घर के दर्शन करांगे तो उस दर्शन मेले करने वास्ते संगत जिहड़ी इत्थे पुजी है तो संगतां नाल गलबात करांगे जिहड़े कि अज असीं नवा साल मनाउण आए हैं। वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। की कहना चाहोगे भाई साहब अज नवा साल की शुरुआत हुई है की कहना? बाबा गुरु रामदास जी दाते नवे साल की शुरुआत हुई है सब परिवारों सब संगतों को नवे साल दी लख लख वधाइयां जी। जी बिल्कुल तो नवे साल दी वधाइयां जिहड़ी इत्थे दित्तियां जा रही ने तो होर भी तस्वीर राही तुहानू दिखा रहे हैं किवें जिहड़ा है संगत इत्थे जकारे छड़ रही है तो उस जकारिया की भी एक तस्वीर तुहानू सांझी कर रहे हैं। तो लगातार तुसीं वेखो कि इस वेले असी इत्थे मौजूद हाँ तो उत्थे जिहड़ा है संगत का ठाठा मारदा कट जिहड़ा है उत्थे पहुँचा है तो कोई भी व्यक्ति कोई भी माई भाई इस दिन अज दे दिन इत्थे नतमस्तक हो रहा है तो हर कोई वाहेगुरू अगे इस नवे साल की अरदास कर रहा है कि नवा साल सुख भरिया आवे क्योंकि 2022 दे विच बहुत सारी ऐसी चुनौतियां सी जिहड़ियां कि कौम नूं देखनियां पईयां पंजाबियों नूं देखनियां पईयां लेकिन हुण हर कोई उम्मीद कर रहा है कि चंगी शुरुआत होवे। तो उस तो पहला तुसी वेखो कि संगत किवें आ रही है तो लोग जिहड़े नतमस्तक हुंदे नज़र आ रहे ने।
तो तुम वेखो कि इस सर्दी के जी नवे साल की शुरुआत है संगत वालों स्नान करके की जा रही है। तो संगत अज अमृतसर विखे जो अमृत सरोवर है उत्थे स्नान कर दिया नज़र आ रही ने। तो रात के 12 बजे का समा है और तुम वेखो कि संगत स्नान करके इस नवे साल की शुरुआत करते कर रही है क्योंकि श्री अमृतसर साहब की धरती एक पवित्र धरती है और इस सरोवर से स्नान की एक महत्वता है। बहुत सारे लोग कोई भी दिन समागम हो इतने स्नान करके उसकी शुरुआत करते हैं। तो उस देखो कि संगत किस तरीके दे नाल जिहड़ियां इत्थे स्नान कर रही ने तो वाहिगुरु अगे अरदास कर रही ने कि इस नवा साल चंगा आवे सब वास्ते वधिया होवे। तो सरबत दे भले का जरा सुनेहा है वह अक्सर अगर गल करिए श्री हरिमंदर साहब विखे ही किया जाता है। तो कुछ होर संगतां नाल गलबात करांगे जिहड़ी इत्थे पुज्जियां ने। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की कहना चाहोगे? स्नान किया जी तुसीं? स्नान करके साल की शुरुआत करके फतेह परवान है बाबा जी का पूरा साल पूरे बहुत बढ़िया जोर शोर से निकलना है। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। कहां से आए आप? बीकानेर राजस्थान से आए जी। राजस्थान से यहाँ पर माथा टेकने के लिए नए साल के ऊपर? हाँ जी हाँ जी, मत्था टेकना है जी। मत्था टेक तुम देखो राजस्थान तो यह परिवार आया है तो ये परिवारों की आस्था जी है इस गुरु घर प्रति है। तो तुम गुरु घर का पूरा चगरदा साझा कर रहे हैं कि किस तरीके संगत जी इतने पहुँच रही ने और अज सवेर में ही जरा है अमृत वेले के भी दर्शन करनगियां। तो वो होर भी जी संगत ने साडे नाल असी उन्हां नाल गलबात करांगे जिहड़े कि होर राज्यों तो आए हैं अमृतसर नहीं बल्कि देश ते दुनिया भर चो लोग आए हैं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कित्थों आए जी तुसीं? असीं अयोध्या तो आए, यूपी अयोध्या तो आए, भगवान राम की नगरी तो आए हैं, गुरु रामदास की नगरी ते। इत्थे हर साल 10 साल हो गए ने, इत्थे पहला दिन जो साल का पहला दिन इत्थे ही शुरू करदे आ गुरु राम। शुरू करदे जी? 10 साल हो गए। 10 साल तो हो गए। 15 साल तो गुरु रामदास की इतनी कृपा है कि हर महीने का एक दिन इत्थे ही देंदे हैगे सानू दर्शन। अच्छा जी। हाँ जी, नए साल की शुरुआत इत्थों करदे? नए साल की शुरुआत है सर्दी कला तो पूरे देश तो पूरे देश पूरी कौम सारी दुनिया नू सर्दी कला वर्त जी। बिल्कुल, तो तुम वेखोगे अयोध्या तो आए ने उत्थों की भी संगत जी इतने पुज रही ने स्नान भी कर रही ने। तो संगत का कहना कि नए साल की शुरुआत जी है इतों की जाए तो वो इस दिन जरा है अपना जरा मुकर्र किया है वो इस जगह पर ही मुकर्र किया है कि जिते कि संगत आदि ने। तो कुछ संगत गलबात करा जी कि अज का दिन स्नान करके इतने आई ने। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। की कहना चाहोगे जी अज तुम आए हो, की कहना चाहोगे इस नवे साल की शुरुआत गुरु रामदास जी की नगरी तो की है? बहुत खुशी की गल है जी, 2023 बरस चढ़िया वा और गुरु साहब के चरणों के नतमस्तक हो आए हैं और गुरु रामदास महाराज के दरबार से संगत आई वा, खुशियाँ खेड़े लैके नतमस्तक हो के जा रही वा और गुरु रामदास जी महाराज के घर खुशी। तो वेखो कि हर कोई व्यक्ति कह रहा कि असी अपने वडभागा महसूस कर रहे हैं कि इस दिन असी इतने पुजे हाँ। तो इस खुशियां भरे दिन के शिरकत कर रहे हैं। तो तुम वेखो कि संगत किस तरीके इकट्ठ जरा है, इस वेले रात का समा है तो लोग जड़े इतने संगत जरिया ने दूर दराजे तो नतमस्तक हुई ने। तो कुछ होर संगत गलबात करा जिड़िया कि इतने नतमस्तक होने वास्ते पुजिया ने तो इस नवे साल की शुरुआत कर आईया ने। तो तुम देखो कि एक पास दुनिया भर के जिसे जश्न का माहौल भी होंगे है तो दूसरे पास रूहानियत के केंद्र सचखंड श्री हरिमंदर साहब के एक अलौकिक नज़ारा भी वेखन मिलता है। तो उस अलौकिक नज़ारे की तस्वीर तुम साझी कर रहे हैं कि जिहड़े इत्थे संगतां जिहड़ियां ने आ रही ने तो दूर दराजे तो भी देश विदेश तो संगत जिहड़ी इत्थे पुज रही है और सिर्फ सतनाम वाहगुरु का जाप कर रही है और इस नवे साल नूं मना रही है। तुसीं वेखो कि हर व्यक्ति अगर कोई अगर गल करिए अमृतसर ही नहीं बल्कि दुबई तो भी लोग आ रहे हैं। तो तुसीं देखो इत्थे सतनाम वाहगुरु का जाप किया जा रहा है तो लोग बैठ के जरा है इस नवे साल की शुरुआत इत्थों कर रहे हैं। तो लगातार तस्वीर असी हरिमंदर साहब विखे मौजूद हाँ तो हरिमंदर साहब तो शुरुआत जी है अच की गई है। तो इस पहले साल 2023 का जरा पहला दिन है उत्थे संगत जी नतमस्तक हो रही ने। तो तुम दिखा रहे हैं श्री हरिमंदर साहब विखे संगत नतमस्तक हो रही ने। तो दूर दराजे तो संगत जी अज के दिन इतने पुजी है तो नवे साल की शुरुआत करने वास्ते इतने आए ने। तो कुछ संगत गलबात करा जी अगे इतों नतमस्तक होकर आ रही ने। सर की कहना चाहोगे इस नए साल से तुम आए हो, की कहो? बहुत बहुत अच्छा दिन और इससे अच्छा नए साल की शुरुआत नहीं हो सकती। कहाँ से आए हैं आप? दिल्ली से। दिल्ली से स्पेशली आए हैं? हाँ जी, माथा टेकने। बिल्कुल जी, संगता पूजिया ने
वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। की कहना चाहोगे आज आए उस दिन? असी कहना चाहते कि बहुत बहुत वधिया साल निकले, आते गांव भी अगे भी वधिया साल निकले जी। ठीक है, नवे साल की शुरुआत की। हाँ जी, नवे साल की शुरुआत की। बिल्कुल, नवे साल की शुरुआत तो तुम दिखा रहे हैं किस तरीके संगत जो इतने आ रही ने, कि वो अपने आप को बड़भागा महसूस कर रही ने कि इस दिन के उत्ते अज इतने आके नतमस्तक हो रहे हैं। तो श्री हरिमंदर साहब तो साल 2023 की शुरुआत जी है की गई है। तो तुम वेखो कि संगत की कट्ठ जरा है इतने पुजा है, तो जेडे कि नतमस्तक हो रही संगत ने अपने आप को बड़भागा महसूस कर रही। तो उन्होंने कहा कि बहुत सारी जगह ऐसा होंदिया ने जिथे जाके लोग जाते हैं, लेकिन गुरु घर तो उत्ते कुछ नहीं है। तो वह अज इतने हो के मत्था टेक रही ने, तो अपने आप को बड़भागा महसूस कर रही ने। तो नवे साल दियाँ समूह संगत को लख लख वधाइया भी दिदिया नज़र आ रही ने। कैमरामैन अजय सुमित खन्ना, ग्रेट पंजाब टीवी, अमृतसर।